हेलो डियर केवीपी वाई एस फ्रेंड्स, तो कैसे हो सभी लोग। एंड काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद इंतजार आज खत्म हुआ और आपके जो केवीपी वाई के जो रिजल्ट है फाइनली डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एंड जो है ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो भी वेबसाइट पे अभी आ चुकी है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि भैया हम हमारा स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, हमें कैसे पता चलेगा हमारे कितने मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ईमेल में जाना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल है वहाँ पर आपको चेक करना है। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको ईमेल भी डाला गया है IASC KUPY की तरफ से, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो भी आपको डाला गया है, ठीक है। को किसका किसका सिलेक्शन हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आपको आगे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं नहीं भेजने हैं, ठीक है, वो जो है उसका एक डिटेल में डिस्कशन वीडियो आ रहा होगा, ठीक है। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, काफ़ी देर हो चुकी है, ठीक है, कि आपका रिजल्ट आ गया है एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दी गई है। SC ST का कितना गया है, जनरल का कितना गया है वो हम जल्दी ही डिस्कस कर रहे होंगे। एंड जो है आपका ICER के अंदर कितनी रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, KUPY वाले बच्चों का IASC में कितनी रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, और आपकी जो रैंक मिली है इससे आप क्या क्या कर सकते हो, यानी कि जो ICER में एडमिशन ले सकते हो, सेकंड ऑप्शन आप IASC के अंदर एडमिशन ले सकते हो, देन आपका इसका और क्या यूजेज है, आपको जो है स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलेगी, यानी कि जो आपको जो रैंक मिली है अगर आप सेलेक्ट हुए हो, देन आप कौन कौन सा कोर्स करो कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप IIT में चले गए तो क्या आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, राइट। तो इसके बारे में भी अपन कंप्लीट में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट यार, जो आपको जो ये KUPY का जो एग्ज़ाम है इसका सिंपल मोटिव है साइंटिस्ट और रिसर्च प्रोग्राम, ओके। यानी कि अगर आप जनरल साइंस पढ़ते हैं, ओके, अगर आप किसी जस्ट लाइक फार्मेसी एंड अदर आप जाना चाहते हैं, राइट, अगर आप चाहते हैं कि मैं BTECH कर लूँ, तो जस्टी आपको जो स्कॉलरशिप है वो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो यार जो है आप अगर KUPY की वेबसाइट पर भी अगर आप जाते हैं, देन वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा KUPY 2021 प्रोविजनल फिलोशिप अवार्ड, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो है फिर से एक नया विंडो खुलता है, और नए विंडो के अंदर आपको जो है कुछ कट ऑफ वगैरह शो होती है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या कट ऑफ क्या सारा सीन है। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने भी फर्स्ट रैंक अचीव किया है, ठीक है, पटेल, सम्राट, भाग्येश जो भी है। सेकंड जो रैंक आया है वो अदिति सिंह है इन द जनरल कैटेगरी, ओके, एंड SA कैटेगरी के अंदर आया है, और इनका जो कट ऑफ रहा है वो 51% रहा है, ओके। एंड अगर अपन सेकंड की बात करें तो जो भी है ये वेचा गाना महेश, राइट, सो आई थिंक कट ऑफ तो हर साल की तरह नॉर्मल रहा है। SC ST वालों का जो है वो 40% रहा है इन द कैटेगरी ऑफ SA, एंड SX का 40 रहा है, और SB का जो है 32 रहा है, और सो यार जी अब स्टूडेंट को चेक कैसे करना है कि मेरा जो नाम तो आ गया मेरे को करना क्या है, तो इसके लिए जो है एक डिटेल के अंदर वीडियो मैं बना रहूँगा जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर करके हम देख रहे होंगे, राइट। रैंक भी दिया गया, आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट को सेम रैंक आई है, जैसे 10 10, 12 12, 20 20, राइट, एंड कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये भी देख लेते हैं अपन SA कैटेगरी के अंदर। नाइस, 976 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ओके। सो अब जो है आपको ईमेल आया होगा यार एक, राइट, सो आपको क्या करना है, आपको एक अपना ईमेल के जो भी है स्पैम के अंदर या प्रमोशन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की लिस्ट वगैरह दे रखी होगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो जो भी है आपको कितनी रैंक आई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के बताना। और जिस किसी को भी इंटरव्यू देना हो अपना कि भैया मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी मेरी इतनी रैंक आई है, ठीक है, तो वो जो है मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया। अगर आपको KUPY की प्रिपरेशन करनी है देन गूगल फॉर्म दिया गया है, और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है डोंट फॉरगेट, घबराना नहीं है बिल्कुल, और ताबड़तोड़ पढ़ाई शुरू कर दो यार अगले साल के लिए, राइट। एंड ये एक मैराथन है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। सो जस्ट जिसका नहीं हुआ है 11th क्लास में जो बच्चे हैं डोंट फॉरगेट, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल, फिर से तैयारी कर दो यार, एक मौका है आपके पास अभी भी, ठीक है, यू कैन डू इट, कम ऑन गाइस, ठीक है, समझ रहे हो आप, दुख करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है।